दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ब्रीद इन टू द शैडो वेब सीरीज जो रिलीज हो चुकी है अमेजोन प्राइम चैनल पर। और सच बता रहा हूं कि लोग जब अनाउंसमेंट हुआ था ब्रीद इन टू द शैडो का, तो जो लोगों ने ब्रीद वन देखा था दे वेर वेरी एक्साइटेड कि भैया चलो अब ब्रीद देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरडी और आपका स्वागत करता हूँ मेरी चैनल पहली बातें पर। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि करेंगे प्रेस आइकन तो आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलो दोस्तों बात करते हैं ब्रीद इन टू द शैडो के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखना चाहते हो ये वेब सीरीज तो कोई भी आप कंपैरिजन मत करना। दूसरा, आप कोई भी कनेक्शन ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि ब्रीद इन टू द शैडो जो है टोटली अ डिफरेंट स्टोरी है। तो वन नहीं भी देखे हो आप तो टू आप फ्रेश तरीके से देख सकते हो। एक चीज है, मैं बात करूं दोस्तों अगर कनेक्शन की, तो ब्रीद वन और ब्रीद टू के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्शन है, कबीर सावंत और उनके कॉप सहायक जो कॉप है। ये स्टोरी फिर से एक फैमिली बेस्ड है और ट्रेंडिंग पैटर्न में चल रही मैथोलॉजी को ऐड करने की यहाँ पे जरूरत पड़ गई इनको। अविनाश सब्रवाल का एक कैरेक्टर है जो साइकाइट्रिस्ट है, वो रोल प्ले कर रहे हैं अभिषेक बच्चन, जो पुलिस की भी मदद करते रहते हैं बहुत सारे केस को सॉल्व करने के लिए। उनकी जो बेटी है वो किडनैप हो जाती है और उसको बचाने के लिए उनसे जो किलर है वो मर्डर करवाता रहता है, जहां पर बाप मजबूर हो जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। और अपनी फैमिली को बचाने के लिए पिता किसी भी हद तक जा सकता है, माँ किसी भी हद तक जा सकती है, इस स्टोरी इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। हालांकि यहाँ पर जो अभिषेक बच्चन ने डेब्यू किया हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर थ्रू वेब सीरीज, तो मैं आपको बता दूं कि उम्मीद आप एक्टिंग की ना करें अर्जुन कपूर और अभिषेक बच्चन से, क्योंकि इन दोनों से कुछ ना हो पाएगा। वहीं दोस्तों मैं अगर बात करूं इस पूरी फिल्म को देखकर, तो मैं कह सकता हूं खोदा पहाड़ निकला चुका। ये वेब सीरीज शुरू होती है एक अच्छे नोट से, मिड तक बहुत अच्छा चलता है, इंटरवल के बाद बहुत ही ज्यादा आप सोचेंगे कि मैं क्यों देख रहा हूं, ये खिंचते जाता है। अंत में आकर जो इसकी एंडिंग की गई है, शायद राइटर कंफ्यूज था कि मैं एंड क्या करूं, और मेरे हिसाब से शायद सस्पेंस वक्त से पहले ही ओपन कर दिया गया है। शायद इसलिए ओपन किया गया है ताकि आगे के एपिसोड्स को और क्रिएट किया जा सके, जिसकी वजह से स्टोरी खिंचती जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये वेब सीरीज भी नेपोटिज्म की शिकार हुई है, ये कहना शायद गलत हो, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि अगर अभिषेक बच्चन की जगह पर कोई ऐसा प्यारा एक्टिंग करने वाला बंदा होता तो शायद ये वेब सीरीज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज के लाइनअप में जुड़ सकती थी। यानी ये पावरफुल एक वेब सीरीज नजर आती अगर इसकी कास्टिंग पर थोड़ा सा जोर दिया जाता। और वहीं जो कॉप का रोल कर रहे हैं अमित साध, उनको वन से टू में लाया गया है, लेकिन एक्टिंग उन्हें कम करने को दी गई है। और लेकिन जितनी भी उन्होंने एक्टिंग करी है वो धांसू की है, आप उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस होने वाले हैं। वहीं कहीं ना कहीं एक जो किलर का जितने भी रोल प्ले किए गए हैं, जो विक्टिम बने हुए, जो मरे हुए हैं, जिनका किल हुआ है, वो तीनों किरदार ने अपना कैरेक्टर बखूबी निभाया है, आप इम्प्रेस हो जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, वहां पर जो मेघना का कैरेक्टर प्ले कर रही है उसका आपको बैकअप दिखाया जाएगा, और हर चीजों को लिंक बहुत अच्छे से किया गया है इस वेब सीरीज में। उस मेघना को आपको देखकर न जाने क्यों एक मीठी मीठी हंसी आपके चेहरे पर होगी, जब भी वो डायलॉग्स रिलीज करेंगी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी। वहीं कबीर के साथ जो उनके सपोर्टिव कॉप है, उनकी भी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो बात करने का तरीका है, वो आपको कहीं ना कहीं गुदगुदाने पर मजबूर कर देगा। तो मैं ये कहूंगा कि आप एक बार जरूर इस वेब सीरीज को देखें, पर जैसे आपको वक्त मिले वैसे देखिए। अगर आप एक साथ पूरा 9 घंटा दे सकते हैं तो आप कर सकते हैं, वैसे भी लॉकडाउन में ज्यादा कुछ खास तो है नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। इस वेब सीरीज को देखने के बाद या वेब सीरीज देखने के पहले जैसे भी आपका जो भी फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कोई भी मेरे लिए जरूरत मेरे लिए फीडबैक हो, कोई शिकायत हो या आप कुछ सजेशन देना चाहें तो आप जरूर लिखें, वरना मैं इंस्टाग्राम पे भी उपलब्ध हूँ, आप वहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वेब सीरीज के रिव्यू के साथ।